नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला। दुनिया में फेसबुक का इस्तेमाल करीब करोड़ों लोग करते हैं। अगर आप भी फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जानकारों के मुताबिक लगभग 10 लाख फेसबुक यूजर्स का यूजर नेम और पासवर्ड हैक किया गया है। खुद कंपनी ने इस बारे में जानकारी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटा प्लेटफॉर्म इंक ने कहा कि वो लगभग 1 मिलियन फेसबुक यूजर्स को सूचना देगा कि एप्पल इंक और अल्फाबेट इंक के सॉफ्टवेयर स्टोर से डाउनलोड किए गए एप्स के साथ सुरक्षा मुद्दों के कारण उनके अकाउंट क्रेडेंशियल से समझौता होने की आशंका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने इस साल 400 से ज्यादा मलेशियस एंड्रॉइड और iOS ऐप की पहचान की है, जो इंटरनेट यूजर्स को उनकी लॉगिन जानकारी चुराने के लिए टारगेट करता है। मेटा ने कहा कि उसने ऐप को हटाने के लिए एप्पल और गूगल दोनों को इस मुद्दे के बारे में बताया है। फेसबुक ने कहा कि ऐप ने खुद को फोटो एडिटर, मोबाइल गेम या हेल्थ ट्रैकर के रूप में छिपाने की कोशिश की है। वहीं एप्पल का कहना है कि 400 में से 40 से ज्यादा समस्याग्रस्त ऐप उसके ऐप स्टोर पर थे और उन्हें हटा दिया गया। वहीं दूसरी ओर एक प्रवक्ता ने कहा कि गूगल ने सभी मलेशियस ऐप्स को हटा दिया है। मेटा में ग्लोबल थ्रेड डिसरप्शन के डायरेक्टर डेविड एग्रोनोविच ने कहा कि साइबर अपराधियों को पता है कि इस तरह के ऐप्स कितने जरूरी हैं और वो लोगों को बरगलाने और उनके अकाउंट और सूचनाओं को चुराने के लिए समान थीम का इस्तेमाल करता है। अगर कोई ऐप कुछ अच्छा होने का वादा कर रहा है, जैसे कि किसी अन्य प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया साइट के लिए अनरिलीज्ड फीचर्स, तो संभावना है कि इसका उल्टा मकसद है। अब अगर आपको एक एग्जांपल दें तो जैसे एक यूजर द्वारा मलेशियस ऐप्स में से एक डाउनलोड करने के बाद एक टिपिकल स्कैम सामने आएगा। ऐप को बुनियादी कार्य क्षमता से परे काम करने के लिए एक फेसबुक लॉगिन की आवश्यकता होगी। इसी तरह के धोखे से यूजर से उसका यूजर नेम और पासवर्ड ले लिया जाएगा। वहीं अगर यूजर अपने फेसबुक अकाउंट पर एक एडिटेड फोटो अपलोड कर सकता है, लेकिन इस प्रोसेस में उन्होंने अनजाने में आपके ऑथर को एक्सेस देकर अपने अकाउंट से समझौता कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटा ने कहा कि यहां संभावित पीड़ितों के साथ सुझाव शेयर करेगा कि वे कैसे फिर से समझौता होने से बच सकते हैं, यहां सीखकर कि कैसे समस्याग्रस्त ऐप को बेहतर तरीके से स्पॉट किया जा सकता है जो कि फेसबुक या किसी और अकाउंट के लिए क्रेडेंशियल की चोरी करते हैं। मेटा सिस्टम से मलेशियस एक्टिविटी हुई। एग्रोनोविच ने कहा कि यह कहते हुए कि जरूरी नहीं कि सभी 1 मिलियन लोगों के पासवर्ड से समझौता किया गया हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस हैं। और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारे वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।